इतने पैसों के मालिक हम बन चुके हैं। ये देख रहे हो मस्त सो रखी है अमांडा, सही है यार तू सो, ये मस्त चिल पिल कर दे क्योंकि काफी लेट सोए थे। रात को सोए कब, झांकने की आवाज जा रही थी मुझे पिताश्री। अरे तो मैं चुटकुले मार रहा था, चुटकुले पगले, स्पोर्ट्स वेयर, स्ट्रीट वेयर, फैशन वेयर, यहाँ कच्चे बेचने लग गए क्या हमारे शोरूम में? देख रहे हो लेस्टर ये क्या इतने पीसी, काम धंधा ही ऐसा अपना भाई। ओली का बहुत मन कर रहा है पिताश्री। ओली का बहुत मन है, ओली से मिलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तेरे रिश्ते की बात कर लूं ओली से? सच्ची मुच्ची। ये देखो सारे पैसे मैंने इसे दे दिए और अभी भी मैंने इसे बोला कोई कमी पेशी लग रही हो तो बता दियो। अरे यार तुम देखो टीवी ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ तुम्हारी माता जी के पास, एक बार उससे मिल लेता हूँ, फिर जिम में तैयार हो जा, फिर निकलना है अपन को। हाँ ठीक है पिताश्री। ओके ओके ओके। तो हे गाइस स्वागत है आपका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूं सब बढ़िया होंगे, मजे करोगे। तो हमारे साथ हमारे माइकल दादा आ चुके हैं आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। और फिलहाल गाइस सुबह सुबह का माहौल है, मैं आप लोगों को बता दूं माइकल दादा तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो सूट सूट पहन के, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल चीज देखने के लिए, क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, और अमांडा ऊपर सो रखी है तो उसको भी उठाते हैं मैं आपको। और साथ ही साथ ये देखो भाई हम आए, हमने पूरा इंजॉय करा घर में, खाना इतना खा लिया हमने। ये देखो हमारी काम वाली दुखी हो चुकी है, हमने इतना खाना खाया ना भाई, देख रहे हो घर में पहले मैं और जिमी खाया करते थे, वो भी बहुत कम, तो बर्तन होते नहीं थे। आज पगली सो सैड हो गई है और गुस्से में भी हो गई है। हाँ यही तो काम है मेरा भाई, अब इसका काम तो है क्या कह सकते हैं इसलिए। और बाकी जिमी और ट्रेसी मस्त टीवी देख रहे, तो सारी फैमिली जब मिलकर टीवी देख रही थी कल, हमने पूरा इंजॉय करा मैं आप लोगों को बता दूं, तो एक नंबर का मजा आया इस चीज में। तो अब बात करते हैं हम जा कर रहे हैं बता दूं, अरे चलो बता देते हैं गाइस ठीक है। हम जाने वाले हैं फिलहाल शोरूम देखने के लिए। अब आप बोलोगे कौन सा नया शोरूम ले रहे हैं हम, बिल्कुल नहीं, आप लोगों को पता ही होगा जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं कि हमारे पास था एक सुजुकी का शोरूम ठीक है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा हमने चेंजेस के लिए सोचे भी थे बाद में, पर इल्यूमिनाटी गैंग ने उसे टोटली डैमेज कर दिया था। तो एक बार प्रॉपर्टी देखते हैं कैसी क्या क्या सीन है वहाँ का, और देखते हैं भाई अब क्या करना है क्या नहीं। वैसे तो ये सेल आउट के लिए वो हमने लगा रखी है क्योंकि बीच में हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था, वो वाली प्रॉपर्टी वैसे सेल आउट के लिए, पर एक बार उसका कंडीशन मैं देखूंगा जाके। जिमी मेरे साथ ही है और बात करनी है जिमी से भी कि ट्रिप पे कहाँ जाना है। आप में से काफ़ी लोग भी सोच रहे होंगे ना, लेकिन उससे पहले मैं अमांडा से मिलवा लेता हूँ ठीक है। कल तो आपने देखा अमांडा से हम मिले भाई, हमने पूरी रात बातें ही करी, और तो क्या ही करेंगे हम इसीलिए। और जिमी वगैरह भी साथ में ही थे, ट्रेसी भी साथ में थी, मतलब हम काफ़ी लेट सोए हैं। तो लेट्स गो अमांडा पगली। अरे तो सो रही है गाइस अभी भी यार, मेरा मन है नहीं उसे उठाने का। मैंने सोचा था एक बार इससे मिलके चले जाऊंगा क्योंकि वैसे मेरा मूड बिल्कुल नहीं था जाने का। एक बार लेस्टर ने भी मुझे बुलाया तो यार देखो जाना तो पड़ेगा घर से, तो मैंने सोचा आज सारे काम कर ही लेते, नहीं तो मैंने ये सोचा था जब फैमिली आ जाएगी ना हम ट्रिप पे निकलेंगे एक दो दिन घर पे आराम से चिल करके, पर क्या करें भाई काम तो करना ही पड़ेगा ना। ये देखो अमांडा मस्त सो रखी है गाइस, ये देख रहे हो मस्त सो रखी है अमांडा, सही है यार तू सो, ये मस्त चिल पिल कर दे क्योंकि काफ़ी लेट सोए थे अमांडा और मैं आपको बता दूँ। और रात को हमने लूडो लूडो भी खेली थी सच बताऊँ तो। चलो और ये देखो हम ये इसकी सारी चीज़ें चूजें तो मैंने एक्स्ट्रा मंगवा के रख रखी है। तो लेट्स गो भाई हम निकल लेते हैं, जिमी से बात कर लेते ना कि ट्रिप के बारे में क्या करना है क्या नहीं। अमांडा तो सो रखी है, अभी उठेगी कब तक, पर चलो कोई नहीं क्या ही करना, इसे चिल करने देते हैं चिल पिल। और भाई पूरा मस्त मजा का माहौल हो रखा था घर में गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं हमने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, सब कुछ खाया कल तो, और मैंने किसी को रोका भी नहीं भाई, जो पैसा लगना लगने दो क्योंकि इतने टाइम बाद सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी। और साथ ही साथ ये वाला जूस आज अमांडा ने अपने हाथ से बनाया भाई, इससे तो अलग ही निकलता मामला पानी। चलो कोई नहीं, तो बोलता हूँ मैं जिमी को, जिमी आ तो गया। अच्छा यहीं खड़ा क्या, फिर क्या रहा? गाड़ी निकाल दिया पिताश्री। कौन सी निकाली? स्कॉर्पियो एन निकाली है। बिल्कुल सही कह रहा, चला के मुझे देख नहीं थी यार। एक बात बताना, देख अब तेरी माताश्री भी आ चुकी, तेरी बहन भी आ चुकी, तो ट्रिप पे कहाँ जाए? क्योंकि मैंने सबसे वादा किया है गाइस आप लोगों से भी कि हम ट्रिप पे जाएंगे। लंदन पेरिस घुमा दो पिताश्री प्लीज। शाबाश बेटे शाबाश, तेरे को लेके जाऊं वहां है, तेरी ऐसी ऐसी कर दूं। तेरा बाप दादा भी गया वहां? गए नहीं। अरे मतलब ये तो मेरे पे ही हो गया, मैं गया हूं भाई। ले चलो यार ऐसा ना करो। अरे नहीं 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 यार वहां नहीं जाएंगे, पागल पागल है क्या, वो बड़ी दूर हो जाएगा यार जिमी। यूं मत करो यार, आपने गई थी लेके चलो, अब मेरे को नहीं पता। देख सकते हो गाइस जिमी क्या कह रहा, लंदन पेरिस तुझे घुमा दूं वहां लेके चलो, भाई कौन जाए वहां, नहीं यार वहां नहीं जाना। और कुछ शिमला ले चलो पिताश्री, शिमला में भी मैं मजे करूंगा, बर्फ के अंदर गुफाओं में घुस जाऊंगा, ले चलो। शिमला जाना चाहता है ये? शिमला जा सकते हैं, तुम भी तो घूम के आए थे, तुम कहाँ कहाँ घूम के आए थे जब तुम पिछली बार डिफेंडर लेके गए थे? हम तो गए थे लद्दाख साइड, वहाँ हमने पूरे चिल करे पिताश्री। अभी कैसा माहौल होगा वहाँ? एक दो महीने बाद जाने का फायदा पिताश्री, अभी तो क्या ही करोगे, वहाँ जाके कहीं और चले ना अभी। लिटिल रुक के जाना चाहिए। यस
बाकी आप बताओ गाइस, हमें लिटिल रुक के जाना चाहिए निकल जाना चाहिए यार, जिम जल्दी करना पड़ेगा, फिर हमें काम धंधा भी संभालना है। हिमाचल चलते, हिमाचल पिता से गिरी मार जाएगा हिमाचल बिच। हिमाचल चले, ठीक है भाई, जिमी कह रहा है हिमाचल चलते हैं, बाकी मैं अमांडा और ट्रेसी से भी पूछ लूंगा कि कहाँ जाना सही रहेगा कहाँ नहीं। चले फिर चल, आज तो तेरी रेल बना दो, स्कॉर्पियो आने में कोई भी दिक्कत आता है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही वार्निंग दे रखी थी, गाड़ी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इसने सारा काम करवाया। गाड़ी से हल्की भी आवाज़ आ गई तो जिमी का पतीला बनाना तैयार हो जाए। जिमी तैयार है ना पिटने के लिए? मैं क्यों पिटूंगा, सब ठीक है गाड़ी का? बात तो तेरी भी सही है, वैसे देखते हैं। नहीं, वैसी आवाज़ तो कोई आ नहीं रही गाइस गाड़ी से, और हल्की सी ना गड्ढे में आ रही थी आवाज़, तो एक बार इस गाड़ी को गड्ढे में लेके चलते हैं। चलो यहाँ से ऊपर कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप कुछ आवाज़ नहीं आ रही गाइस, पहले इस गाड़ी में ना आवाज़ आ रही थी, तो यही बात थी, इसलिए जिमी को मैंने बोला भी था इसके टायर चेंज करवा दे। एक तो इसके टायर बड़े थे जो कि बॉडी में टच हो रहे, तो यही सीन था। और बता कबूतर, तू सही है ना? रात को सोए कब, झांकने की आवाज़ आ रही थी मुझे पिताश्री। अच्छा, बड़ी लेट सोए थे। मेरे सोने से तुझे क्या मतलब, मैं कभी भी सोऊं रात को? कम ऐसा करो ना, नींद बुरी होती मेरी। अरे तो मैं चुटकुले मार रहा था, चुटकुले पगले, तुझे क्या पता। ये देखो कॉमेडी कर रहा है गाइस हमारा लड़का, पर चलो कोई नहीं, निकल लेते हैं हम यहाँ से, ये कॉमेडी करने से तो हटेगा नहीं। तो निकल रहे हैं अपन कहाँ पे, अब आपको बताया तो था यार मैंने, हम निकल रहे हैं गाइस अपने शोरूम वाली लोकेशन पे, जहाँ पे अपना शोरूम हुआ करता था सुजुकी वाला। हमने काफी कार्स ली थी, और एंड टाइम पे जिमी ने मुझे बताया था। जिमी क्या सीन था, गाड़ियां थी शोरूम में? गाड़ियां थी, ब्लास्ट हो गई थी, कई बंदों से बुकिंग के अमाउंट भी ले लिए थे हमने, नुकसान हो गए। अच्छा, फिर क्या करा तूने और पैसों का उन बंदों का? जो अपने पास सेविंग थी उससे हमने बंदों के पैसे दिए, और क्या करे, लॉस तो हो ही गया था हमारा भयंकर वाला पिताश्री। चल कोई नहीं, सारा लॉस कवर अप कर लेंगे, इस चीज के बारे में मुझे लेस्टर से बात करनी है, क्योंकि अभी तक जो इल्यूमिनाटी गैंग के जो अकाउंट थे उनकी तरफ से पैसों की कोई अपडेट्स नहीं आई है कि हमने हैक करे हैं या नहीं, तो इस चीज का अपडेट भी लेते हैं जाके। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, बड़े टाइम बाद मैं इस रास्ते में आ रहा हूँ यार। इस रास्ते से पहले मैं जब आया करता था इतनी खुशी होता थी यार। जिमी तो बोर्ड बोर्ड भी हट गया हमारे। अरे हाँ पिताश्री, ये क्या सीन है, एक सेकंड गाइस उधर के देखते हैं। आजा जिमी, यहीं पे तो बोर्ड हुआ होता था हमारे शोरूम के नाम का, किसी ने पार दिया पिताश्री, ये तो ओ नो। तो गाइस ये था अपनी पूरी बिल्डिंग शोरूम वाली, यहाँ पे हमारी सुजुकी की शोरूम हुआ करता था, जो कि अब क्या ही बोले, बोर्ड बोर्ड भी हट गया, इस साइड भी तो था, इधर 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 पूरी, किसने इतनी एडवर्टाइजमेंट्स लगा दी अपनी यहाँ, ये क्या सीन है। अभी ये बेची नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, स्पोर्ट्स वेयर, स्ट्रीट वेयर, फैशन वेयर, यहाँ कच्चे बेचने लग गए क्या हमारे शोरूम में, ये क्या चल रहा है। हीट एंड हीट एंड हीट, कौन हीट दे रहा है, इतनी मॉडर्न प्रैक्टिस, अरे क्या चल रहा है, मुझे तो समझ ही ना आ रहा। कॉन्टैक्ट लेंसेस, यहाँ से अंदर रास्ता हुआ करता था यहाँ, ये क्या सीन है। जिमी यहाँ ये रास्ते उस्ते हुआ करते थे, क्या सीन है। ये मैंने बंद करवा दिया ताकि बंदे बंदे घुस ना जाए ना अंदर, लिटिल लिटिल सामान भी तो पड़ा था पिताश्री। पर अपना तो वो डोर हुआ करता ना कांच वाला, बोल तो रहा हूँ बंद करवा दिया हमने यार, समझते नहीं आप। अच्छा देखूं एक बार क्या सीन था क्या नहीं। अच्छा हाँ, ये सारे तूने बंद करवा दिए, यहाँ से हम अंदर का देख पाते थे शोरूम में कौन सी कार खड़ी है कौन सी नहीं। इतना ही नहीं, मैंने ऊपर के भी बंद करवा दिया हर जगह के, क्योंकि अंदर जो सामान था कम से कम वो तो बचा के रखे, हम कोई चोरी चोरी कर ले तो। पर इसका चाबी कहाँ है? चाबी तो घर पे है। वाह बेटे वाह, हमारे देखने चाबी घर बुलाया। पर चल कोई नहीं यार, अंदर कबाड़ा हो रखा क्या? मैंने जिग्गू को बोला था कि सारी सफाई करवा दे, जितनी भी गाड़ियां जली जुली है फिकवा दे, पर पता नहीं है मैंने देखा। अच्छा सही है, तो गाइस जैसे ही जिमी ने बोला, जिग्गू को इसने बोला था सफाई के लिए, अब कराई है नहीं कराई है वो उसको नहीं पता। सही करा वैसे तूने, सारे ब्लैक करवा दिए, पर इन एडवर्टाइजमेंट का क्या भाई, इनसे पैसा निकलवा, हर एक को क्या कर चिट्ठी भेज, या फिर मैं अपने जो हमारे लॉयर अंकल साहब है ना, ये पता तो है, वो अपने लॉयर उनको बोल इन सब की फोटो खींच ले, और हमारी प्रॉपर्टी में ये हमसे बिना पूछे ये अपने एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, तो इनसे भी पैसा निकलवाना सारा, कोई दिक्कत नहीं करवा देंगे काम, ठीक है। तो ये देख सकते हो गाइस, और यहाँ तो हो रहा है ये हीट हीट वाले, और ये कच्चे बनियान वाले बहुत हैं, ट्रेडिशनल वाले ओके, और मीडियल मेडिकल यूनिट वाले भी है फॉर लीज। ओहो बेटे तुम्हें पता ना का है, और जमीन किसकी है यहाँ के, पेप्सी पी रही, चल यहाँ से। हाँ और तू भी पेप्सी पिएगा यहाँ? ना 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 ना, पेप्सी पी लेना हमारी जमीन पे आके, बेटा तेरी ऐसी तैसी गुद्दी झाड़ दूंगा। हाँ हाँ जिमी, सबको हटा यहाँ से, रहस की आँख छोड़े हो रहे हैं, ये देख रहे हो भाई, भाई यहाँ पूरे में एडवर्टाइजमेंट ऐसी तैसी कर रखी हमारी पूरी पूरी प्रॉपर्टी की, ये तो इतनी महंगी प्रॉपर्टी है क्योंकि ये रोड साइड है गाइज। जिमी क्या करना है फिर, हमें यहाँ चालू रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सब कुछ स्टार्ट करने में ना पिताश्री टाइम लग जाएगा यार, बहुत। बात तेरे भी सही है गाइस, सब कुछ स्टार्ट करने में ना टाइम लगेगा। अब आप लोगों को बताना है यार, जिमी हम सुजुकी की जगह कोई और गाड़ी कर ले दो, इसे चालू करने में टाइम लगेगा, पर इसके अलावा हम कुछ और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, मेरे दिमाग में आइडिया है, मैं आपको बताऊंगा ठीक है।
जिमी भी सही कह रहा है, इसकी जगह हम कुछ और अभी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, इसको बाद में कर लेंगे, जमीन बेचेंगे नहीं ये। अब आप बताओ गाइस, यहाँ पे हमें शोरूम खोल लेना चाहिए, खोले तो कौन सा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो चले यार यहाँ से तो चलते हैं, एक बार आगे भी देखते हैं गाइस क्या क्या एडवर्टाइजमेंट लगी पड़ी है क्या नहीं। यार यहाँ तो अलग ही सीन हो रखा है यार, जिमी ने भी तो नहीं देखा पहले, और मैं तो भाई था ही नहीं यहाँ पे। अब जिमी भी कहा, जिमी का पूरा ध्यान मेरे पे था कि मैं जेल से निकलूँ फिर तो कुछ ना कुछ करेंगे हम। अब भाई जब किस्मत हो फुद्दू गाइस फिर की करेगा, बोन बिटा था दूदू, आप लोगों को तो पता ही है इस चीज़ के बारे में। यहाँ भी गेट था, ये भी बंद करवा रखे, चलो गेट तो सारे बंद करवा दिए जिमी ने, ये तो अच्छा करा। पर इन एडवर्टाइजमेंट वालों को अभी मैं नोटिस भिजवा देता हूँ और इनसे पैसे निकलवाने हैं गाइस, क्योंकि भाई बहुत महंगी ज़मीन है ये, और यहाँ पे बिल्डिंग हमने, आपको तो पता है कि हमने तो भाई कैसे ना कैसे सिस्टम सेट करके ले लिया है, पर फिर भी यार महंगी तो महंगी है ना। और करते हैं यहाँ कुछ ना कुछ तो चालू करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसकी ना प्रॉपर्टी की जो ये है ना ये और महंगी हो चुकी है, इसके रेट बढ़ चुके हैं। तो देखते हैं लेट्स सी क्या करेंगे क्या नहीं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। और मेरे को लेस्टर के पास भी जाना है मैंसन में, उससे पूछता हूँ कि कितना टाइम लगेगा ये जो इल्यूमिनाटी गैंग की तरफ से पैसे आने में, क्योंकि हमें भाई आगे भी डिस्ट्रीब्यूट करने, क्या प्लानिंग है उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। जिमी मुझे छोड़ दियो तू मैंसन में, और फिर तू गाड़ी लेकर निकल दियो, ठीक है आ जाओ लेट्स गो गाइस, अपन निकल रहे हैं। और ये नोटिस वाला काम टाइम पे हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरा कच्चा गीला करने में मैं बिल्कुल टाइम नहीं लगाऊंगा मेरे बेटे। लेट्स गो गाइस, ओके चक दबड़ा नाप देख ले सुबह अंदर सामने दिल्ली, लेट्स गो। ओए यार जिमी किसी ने कुछ तो गड़बड़ करी है, मैं क्या ये बातें कर रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा। देखो एक तो यहाँ पे डस्टबिन गिरे पड़े हैं, ठीक है ये हमारे मैंसन वाले डस्टबिन है, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे ये लाइट टूटी पड़ी है। भाई लेस्टर को बोलता हूँ ये लाइट ठीक करवाने के लिए, देखो ये वाली लाइट टूटी पड़ी है, नहीं तो नॉर्मली ये ऐसी लगती है, देखो कांच ही नहीं और अंदर का बल्ब निकाल के ले गया कोई। चलो यार पर चलो कोई नहीं, पहुँच चुके गाइस अपने मैंसन में हम, खुल जा टिम टिम, अरे खुल जा रहा भूत नहीं का बेइज्जती कर रहा, मालिक आए हैं, मालिक साहब आए हैं, गेट खोले, खुल गया। यार इल्यूमिनाटी गैंग वाले होते थे तो गेट वो मस्त यहाँ पे ऐसा लगता था कि हाँ भाई हम आ रहे हैं, सिक्योरिटी खड़ी है अपनी, पर सिक्योरिटी का भी करेंगे कुछ ना कुछ, इस एरिया में सिक्योरिटी तो हमें रखनी ही पड़ेगी। पर फिलहाल हमने ये दोबारा इसका रेंट सिस्टम चालू कर दिया गाइस, जिससे अपन को प्रॉफिट हो रहा है, इसमें प्रॉफिट होता ही है, रेंट सिस्टम है ना यहाँ पे बहुत प्रॉफिट होता है। तो आ जाओ भाई, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ। जिमी तू क्या कर, गाड़ी लेके निकल, छात्र को निकलने का है, मैं आ जाऊँगा अपना। पक्का? हाँ तू लेके जा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ टाइम लगेगा। तो गाइस लेस्टर से मेन मेरे को मिलना जरूरी था, और रात को घर जल्दी आ जाओ, सारे साथ में खाना खाएंगे। आप कब से ऐसी बातें करने लगे पिता श्री? जब से तेरी माता श्री से मैं बिछड़ गया था, जब से कॉमेडी कर रहा बाप के साथ। जा रहा हूं, सॉरी। चल निकल, लेट्स गो गाइस, जिमी को मैंने भेज दिया है। और मैं आपको बता दूं अंदर का माहौल क्या है, लेस्टर ने कुछ बंदे हायर करे थे किस चीज के लिए, ताकि काम आसान हो पाए, हम इल्यूमिनाटी गैंग वालों को जो बैंक वाला सारी स्टेटमेंट्स तो क्या मतलब मेन सारे पैसे का हम अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर पाए, तो उस चीज के लिए इसने हायर करे थे बंदे। और मैंने इसे कहा था मैं आ रहा हूं, तो आज के दिन वो बंदे नहीं हैं, वो भेज दिए इसने अभी, या फिर काम हो गया क्या है वो, मेरे इससे अच्छी तरह बात होएगी अभी। अरे तेरी भैंस की आँख, इसने तो सेटअप बढ़ा दिया भाई, लेस्टर का सेटअप देख रहे हो, लेस्टर ही ये क्या इतने पीसी, काम धंधा ही ऐसा अपना भाई। हाँ बात तो तेरी सही है, काम भी तो ऐसा है गाइस इसका, तो मैं आप लोगों को बता दूं यहीं पे ही लेस्टर के सामने वो बंदे काम किया करते थे, तो क्या रहा उनका, हो गया उनका काम जितना करवाना था उनसे, मैंने कहा जाओ पिकनिक करो भैया छुट्टी मनाओ, ये भेज। तो यार हम पहुंचे कहाँ तक, अकाउंट हम हैक कर पाए या नहीं कर पाए? सारे अकाउंट्स के एक्सेस आ चुके हैं मेरे पास, बस पैसा ट्रांसफर में दिक्कत हो रही है, पैसा मिल गया, डरने की क्या बात है ऐसे तरह। ये तो काफी अच्छी बात है, पर चलो मिल तो गए, पर निकलने पैसा चक दे पटे ना पते के लिए सुबह अंदर सामने दिल्ली, आज करा दूंगा शायद सारा काम, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल टाइम दे मुझे, ठीक है? ओनली तू लिटिल लिटिल टाइम देगा ना, फिर देखते हैं कर दूंगा, जल्दी जल्दी कर। थोड़ा सा टाइम कितना, आज 15 से 20, वो भी छोड़ तू मुझे आधा घंटा दे दे, आधे घंटे के अंदर बता दूंगा भाई काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा यार हमें। ओके चल ठीक है भाई, इसने मेरे को इतना टाइम बोला ही, अब फिलहाल तो मैं यहीं हूँ गाइस लेस्टर के पास। और ये बता आगे का कुछ सोचा तूने, कही थी अभी तेरे को अपना माइंड सेट करना है, तेरा माइंड सेट हो गया तो? मुझे तो टाइम चाहिए यार, फैमिली देख अब कल आई, अमांडा कल आई है, मतलब सारा सीन तो कल ही है आए हैं, तो यार टाइम तो अभी मेरा वो वाला चालू नहीं हुआ है, मैं तैयार तो नहीं हूँ पूरा इस हिसाब से कि नए बिजनेस का क्या करना है क्या नहीं। तो एक काम करो तू फ्रैंकलिन, ठीक है, और ट्रेवर बनाओ प्लानिंग जो तुम्हारे दिमाग में आता हो, फिर वो मुझे बताना, फिर देखते हैं सही है नहीं है, फिर कुछ करते थे, करना तो कुछ पड़ेगा ही, अब अपन यूँ बैठे रहेंगे तो नहीं, ठीक है? जैसा आप बोले भाई। और रही बात, चल एक बार पैसे आने दे फिर बताता हूँ बाकी तुझे, मैं एक बार नीचे देख के आ रहा हूँ ना, अगर कुछ भी होए मुझे बताइए, क्योंकि इसने ना गाइस लगा रखा अपना सिस्टम, चेक हो रहा है इसका, अब स्टेटमेंट ट्रांसफ़र हो पाएंगे या नहीं वो तो अभी पता चलेगा ना, इसका मेरे से पहले भी बात हुई थी, तो मेन दिक्कत यह आ रही है ट्रांसफरिंग नहीं हो पा रही है भाई,
हो जाता दिक्कत यार, सर्वर्स का क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये भैया हैकिंग वोकिंग के टूल्स ये इतने यूज़ कर रहे हैं गाइस। बाकी ये देख सकते हो गाइस, ये रहे बंदे जिनको हमने ये अपना मेंशन रेंट पे दिया है। देख रहे हो, ये रहे बंदे जिनको हमने अपना मेंशन रेंट पे दिया, मस्त मजे ले रहे हैं। इनके साथ और भी है, ये दो अकेले नहीं है पगलो, इतना बड़ा मेंशन में क्या करेंगे। ये तो इससे अच्छा एक होटल रूम ले लेंगे। पूरी टीम आती है इनकी, बड़े बड़े बहुत बंदे आते हैं, फिर ये इन्जॉय करते हैं, मस्त पार्टी शार्टी करेंगे। और इसलिए इनके लिए हमने नाइट सिस्टम भी सेट करना पड़ता है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी लगती रहती है, इसीलिए यहाँ का रेंट भी बहुत है। ये देखो हमारे इलाके में सुट्टा पी रहा, पर क्या करें, पैसे दिए सर, हम इसे मना थोड़ी कर सकते। और सामने और लेडीज़ लोग भी हैं, तो ये देखो ये लाइट्स वाला सीन है, और ये यहाँ पे मनोरंजन करती ही रहती है गाइस। तो ये सीन है प्रॉपर, ठीक है, क्या ही बात करनी, इनको इनकी चिलिंग करने देते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ये एरिया ना, यहाँ रात को क्लबिंग वगैरह चलती रहती है, यहाँ बार बार टाइप का बोल लो, ये बार है एक हिसाब से, और डीजे वगैरह बोलते हैं कि मंगवा लो, तो हम उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं इनसे। तो ये सीन है। सुनो पिताजी, अब दीजिए छोड़ो, मानो मेरी बात, थोड़ा सा पैसा दे। पैसे नहीं है तो मैं यहाँ क्यों आता, पैसे की चाहिए तुझे? हाँ काम है पिताश्री मुझे। अरे वो क्या बता, वो ना ओली और जिगू का मन कर रहा कॉफी पीने का, उनको पिलाने की पिताश्री। चल ठीक है दे रहा हूँ, बाकी वो भी तो पिला सकते हैं। ओली का बहुत मन कर रहा है पिताश्री। ओली का बहुत मन है, ओली से मिलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तेरे रिश्ते की बात कर लूँ ओली से? रिश्ते की बात तो किसी और से करनी है। नहीं नहीं पिताश्री, किसी और से मतलब? वैसे पैसे दे दो, मैं अलग कॉमेडी कर रहा लड़का, सपनों में मिलती है। यार देखो कितना बड़ा मेंशन है, मैंने सोचा नहीं था कि हम इतना बड़ा मेंशन ले भी पाएंगे यार, पर मैं यहाँ पे फैमिली शिफ्ट नहीं करना चाहता, ये हमने लिया ही रेंट बेसिक्स पे है गाइस। मेन सीन तो ये है, ये क्या लेस्टर क्यों भगे भगे आ रहा है, एक मिनट से पूछू तो क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। हाँ भाई लेस्टर भाई बोल भाई। माइकल ब्रदर पैसा निकल गया भाई। पैसा निकल चुका, कौन सा? इल्लुमिनाटी गैंग के सारे एक्सेस होकर मनी ट्रांसफर हो चुका है पगले। सच्ची मुच्ची? आजा भाई आजा भाई, इसी बात पे गले मिल, तू भाई से गले मिल, क्या काम करा तूने भाई, गले मिल लिए गाइस। लेस्टर ने बहुत तगड़ा काम कर दिया, इल्लुमिनाटी गैंग का जितना पैसा था हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन थोड़ी गड़बड़ है भाई। अब लेकिन क्या कर रहा है, हो तो गया, अब क्या चाहिए? फिलहाल के लिए मैंने सब कुछ ब्लाइंड कर रखा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन पैसा बहुत है तो हमें उसे कैश में फटाफट निकलवाना पड़ेगा भाई, हम ज्यादा देर उसे अकाउंट में नहीं रख पाएंगे, समझा? और फिर उसे कैश में कैसे करेंगे? अरे वो अपना बंदा है बैंक मैनेजर, उसी के पास तो चलना पड़ेगा। उसके पास चलें अब? यस, और क्या। अरे यार उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था मैं तो। चल कोई नहीं, चलते हैं। एक काम करते, तू एक काम कर, यार इतना पैसा निकलवाएंगे कैसे? वो तो मैं ट्रांसफर कर दूं, उसे निकालने का उसका काम। अपन उसे उस वाले अकाउंट में डाल देना, अपने जो ब्लैक वाला अकाउंट है, जो इसको किसी को पता नहीं है जो सीन है। इतना आसान नहीं है, ये छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है यार। माइकल तू समझ नहीं रहा है, कैसी बातें कर रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा मोटा अकाउंट होता ना तो हम कर भी लेते हैं सेटलमेंट यार। अच्छा, और जो पैसे मैंने मल्टीपल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं अपने में। और कितने अकाउंट्स में टोटल ट्रांसफर है हमारे? कम से कम 20,000 तू कह सकता है, उससे फालतू भी हो सकते हैं, इतने अकाउंट्स में हमारे ट्रांसफर हो गए, वो फंड्स रखे गए हैं फिलहाल। ओके डन, तो एक काम कर उसे फ़ोन कर दे, ऐसा ऐसा सीन है, और ट्रक लेके पहुँचते हैं अपन, और पैसा लेके आते हैं, जो भी लिटल लिटल लेके आ जाते हैं फिलहाल के लिए। तो लिटल लिटल में भी बहुत रह जाएगा यार, तू समझ क्यों नहीं रहा है। चलो ठीक है, तो गाइस देख सकते हो जो हमारी बातें हुई, लेस्टर ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। एक तो 20,000 भैंस के बहुत अकाउंट्स हैं वैसे इसके, अब ये सारे इस हिसाब के अकाउंट होते हैं जिसके बारे में तो क्या ही बताना आप लोगों को भाई। ठीक है, तो अपने मेन वाले में डल जाएंगे, उस वाले में? नहीं बिल्कुल नहीं, खाम का बंदों को पता चला ना फिर रेड मार देंगे, बड़ी मुश्किल से छूटे हम इन चीज़ के चक्कर में, बिल्कुल नहीं। चल कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, लेट्स गो। तो एक काम करना भाई, दिक्कत कोई है ही नहीं, हमें अपना हिस्सा लेना, अपना हिस्सा होगा ना उनको कैश निकलवा, ठीक है? सबसे मेन काम है अपना जो हिस्सा उनको कैश के लिए बोल दे कि हाँ भाई इतना हमें कैश चाहिए, और उसके बाद बाकी का जो पैसा है वो बाकी के अकाउंट्स में लिटल 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 ट्रांसफ़र कर दे। कौन से अकाउंट्स में? जितने भी इल्लुमिनाटी गैंग के लीडर ने जितने भी बंदों पर मारा है, और जितने भी लोस सैंटोस के गरीब हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ के उनके एरिया के गरीब है, वहाँ ट्रांसफ़र करा दे सारे पैसे, फिर हमारे लिए इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम पैसे नहीं रखेंगे, हम बस उतना ही पैसा रखेंगे जितना हमें ज़रूरत है, फिर फालतू को झंझट नहीं रहेगा, इतना पैसा अकाउंट में है, ये सब वो सब तो साथ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हाँ ये तो 5 से 10 मिनट का काम है मेरा, लिस्ट लुस्ट निकालने में, और मैं कोड डाल दूँ ऑटोमेटिक ट्रांसफर। लिस्ट है? 2 मिनट का काम है लिस्ट निकालना, किसके अकाउंट का क्या क्या सीन है, उसकी दिक्कत नहीं लेनी। पहले सबसे देखो इल्लुमिनाटी गैंग वालों ने जितने को बंदे को दुखी करा, सबसे पहले उनके में डालना है, फिर बाकी ये गरीब वगैरह में डाल दो लोस सैंटोस के, ठीक है, पर सबसे पहले उनके एरिया वालों को करना है क्योंकि उसने वहाँ के बंदों को ज़्यादा दुखी करा है। कोई नहीं हो जाए, हो जाएगा ना। तो एक बार उसे फ़ोन करके बोल दे कि भाई हमें अपने हिस्से वाला पैसा निकलवाना है, वो उस वाले अकाउंट में ट्रांसफर करके पैसे निकलवाते हैं फटाफट। तो गाइस
एक दिक्कत थी वो भी हो चुकी है। अब अपन को हमारा जितना पैसा हमारा ख़त्म करा था, ख़त्म तो क्या मतलब हम लॉस में थे, हमारा शोरूम लॉस में हुआ था, हमारी गाड़ियाँ फोड़ी थी इल्यूमिनाटी गैंग वालों ने, तो उनके अकाउंट से हम वो सारा इतना अपना जितना उन्होंने हमारा लॉस हुआ था हम उतना पैसा रखेंगे अपने पास, और बाकी का सारा पैसों के साथ हम क्या करने वाले हैं लॉस सेंटोस में जितने भी भाई गरीब बंदे हैं उनके अकाउंट में पैसा डलवा देंगे लिटल लिटल, ऐसा नहीं कि सारा हम एक में डलवा देंगे, और जितने भी बंदे जिन इल्यूमिनाटी गैंग वाले लीडर वालों ने दुखी करे हैं जो भी है और उनके इलाके के जो गरीब बंदे हैं उन पे अकाउंट ट्रांसफ़र हो मतलब पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो ये सीन है। तो अब इस चीज़ में दिक्कत नहीं होगी, अगर मैं सारे रख लेता तो हमारे ऊपर भी दिक्कत हो जाती एकदम से इतना पैसा, वो बात है ये एक्सिस अकाउंट कोई बैंक वाले नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी लोचा हो जाता है गुरु, हम कहाँ रखेंगे इतना कैश, मेन बात तो ये है ना इसीलिए। और बाकी अपने हिस्से का कैश निकलवाने के लिए हम अभी जा रहे हैं लेस्टर में। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे अभी तो हम अपने मेंशन में थे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने काफ़ी ट्राई करा थोड़े हफ्ते जैसे ट्रक हमें मिल जाए, फिर एंड में आके हमारा जुगाड़ हुआ गाइस यहाँ शिपयार्ड वाले पोर्ट, यहाँ पे हमारी सेटिंग वगैरह कैसे ना कैसे हमने करी और उसके बाद हमें ट्रक और ट्रेलर का जुगाड़ हो पाया। तो इस ट्रक को हम अटैच करेंगे इस ट्रेलर से और इस ट्रेलर के हम अंदर अपना सारा पैसा रखने वाले हैं। बैंक वालों को ऑलरेडी बोल दिया गया है तो उसने भी हमसे टाइम मांगा लिटल लिटल, क्योंकि भाई पैसे थोड़े बहुत नहीं है, पैसे बहुत है क्योंकि लॉस भी हमारा बहुत हुआ है। तो हमारे लॉस से हम 2% एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं पैसे, क्योंकि थोड़े से एक्सपेंसेस तो हमारे भी हुए हैं ना यार उसके बाद, तो इसीलिए देखो हम अपना हिस्सा ही रख रहे हैं, किसी और का हिस्सा नहीं रख रहे हैं, भाड़ में गए उसके कमाए हुए पैसे हम अपना हिस्सा लेके बाकी सारे के सारे पैसे बांट देंगे। अपने हिस्से वाले पैसे वाले ही हमारा मोस्टली अब उस अकाउंट में है, ऑलरेडी सारी ट्रांसफ़र चालू हो चुकी है जितने भी बंदों के हमें ट्रांसफ़र करनी है। अब आप बोल रहे हो कौन सी ट्रांसफ़र, जैसे कि मैंने आपको बताया जिस जिस बंदों को दुखी करा इल्यूमिनाटी गैंग के लीडर ने उनके अकाउंट में, ठीक है, साथ ही साथ उनके अकाउंट में भी जो यहाँ पे लॉस सेंटोस के गरीब हैं, साथ ही साथ जो इल्यूमिनाटी गैंग का लीडर जो है वो अपने एरिया के जितने भी उसके वहाँ के बंदे थे वहाँ भी सारा पैसा ट्रांसफ़र होगा। मेरे को पर्ची कटवानी पड़ेगी यहाँ ट्रक निकालने की, अरे यार इनकी ऐसी तैसी, तो करवाते हैं यार फिर निकालते अपना ट्रक, ऐसे तो ये निकालने देंगे नहीं, पर है ही नहीं ना कोई, क्यों निकालूं भैया नहीं लेफ्ट को। तो ये सीन है, तो उस चीज़ की ना इसके पास लेस्टर ने 5 मिनट के अंदर एक सारी अपनी पर्चियाँ निकाल दी कि इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं और वो ऑटोमेटिकली डल रहे हैं भाई सबके में, और अपना हिस्सा जो है वो ऑलरेडी बैंक वालों के पास पहुंच चुका है और वो पैसे तो हम निकलवाने जा ही रहे हैं। तो ये सारा सीन है, तो लेट्स गो निकलते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है, फिर आएगा सीन मजा तो मेरे दोस्तों, लेट्स गो। और बैंक में मैं डलवा लूँ फिर एक बार, जब सारे पैसे मैं मेंशन में ले आऊँगा ना फिर आपको ये ट्रक खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि यार बाद पूरा खोलने में सही नहीं रहेगा ना यार इसीलिए। तो बैंक वाले ने लिटल लिटल समय मांगा है और ये जो ट्रक है ये बैंक के पीछे की साइड खड़ा होएगा और आपको तो पता ही है जो सबसे बड़ा बैंक है हम वहीं जाने वाले हैं, और ये ट्रक भी बड़ा इसलिए लिया क्योंकि पैसा भी बहुत आने वाला है। थैंक यू भाई तूने हमारा काम करवा दिया, और ये रहे तेरा इनाम, तूने हमारा काम करवा दिया और हमारी तरफ से ये तेरा कमीशन। तो फाइनली गाइस ये है बैंक मैनेजर, इसने हमारा सारा का सारा काम करवा दिया, तो कमीशन तो यार इसका बनता ही है और हर बार लेता ही है वैसे, मैं आप लोगों को बता दूँ, और आज से नहीं काफ़ी टाइम से हमारा काम करवा रहा है, पर इस बार का थोड़ा पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा था तो लगता है भाई अब कमीशन लेगा तो लेगा ही ना। और ये देखो सारे पैसे मैंने इसे दे दिए और अभी भी मैंने इसे बोला कोई कमी पेशी लग रही हो तो बता दियो। हाँ भाई टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो लेट्स निकलते हैं, मैं टाइम दिखा दूँ तो गाइस आप देख सकते हो ये हो गया टाइम, मतलब शाम हो चुकी है भैया, निकलने का टाइम हो गया, वी आर ऑलरेडी टू लेट, बैंक अभी बंद नहीं हुआ है, बैंक पता नहीं क्यों खुला आज इतनी देर के लिए, वैसे देख सकते हो गाइस नीचे की साइड भाई, क्योंकि हम मोस्टली बंदे हमारी जो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे उसमें बिजी थे तो बैंक थोड़े टाइम के लिए हमें बंद करना पड़ा जब पैसे यहाँ से बाहर जा रहे थे। बिल्कुल जो मेन गेट है ना, मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो नीचे वाला एक्सिस है तो ये मेन खुला था, सारे पैसे नीचे की साइड से आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे, तो ये पूरा बंद कर देते, तो जिसका काम कुम रह रहे थे तो वो अभी फिलहाल के लिए करवा रहे हैं, तो ये सब हमारे चक्कर में हुआ है, पर चलो कोई नहीं हमने कमीशन दे दिया अपना काम तो हो गया। अरे यहाँ से तो हम जा ही नहीं सकते, मेन रीज़न ये है, ये देखो सामने ये है, तो ये पूरा खुला था, ये ट्रक यहाँ लगाना पड़ा हमें, हम दूसरे गेट से निकलेंगे, आजा लेस्टर भाई। तो ये सीन है, अब हमारे अकाउंट में हमने पैसे नहीं रखे हैं, हमारा जितना भी पैसा है वो सब कैश के हिसाब से हमारे पास, क्योंकि अकाउंट में रखना थोड़ा रिस्की काम है यार, वैसे तो कैश भी रिस्की काम है भैया, जल्द जुल गया तो, पर क्या करें भाई हम रखना नहीं चाहते, अकाउंट में थोड़ी दिक्कत वगैरह हो जाती है ना इसीलिए। क्यों भाई हैं बेबी डोल नमस्कार ने दी, लेट्स गो, ये रहा हमारा ट्रक, ट्रेलर अटैच करते और यहाँ से निकलते हैं मेंशन के लिए। फ्रैंकलिन और ट्रेवर हमारा मेंशन में ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बुलाया उनको बिजनेस की मीटिंग के लिए था, पर बिजनेस की मीटिंग क्या ही होती जब ये खबर मिली हमें कि अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो भैया ये तो करना ही पड़ा। और साथ ही साथ इल्यूमिनाटी गैंग का जो लीडर है ना गाइस, उसका अकाउंट टोटली जीरो हो चुका है, जहाँ जहाँ हमें ट्रांसफ़र करने थे वहाँ वहाँ ट्रांसफ़र
हो गए हैं पैसे। और कल मैं कह रहा हूँ 100% न्यूज़ में फैल जाएगी खबर कि ऐसे ऐसे पैसे आए हैं। अगर किसी ने भी बोल दिया कि हमारे अकाउंट में भी पैसे पहुँचे हैं, क्योंकि अकाउंट में ट्रांसफ़र तो हमने हर जगह करवा ही दिए हैं। वैसे जहाँ तक मैं बताऊँ कोई बोलेगा नहीं कि भाई इसके अकाउंट में पैसे आए हैं, ये सब वो सब। अगर कोई बता दे तो हो सकता है कि भाई ये हो कि देखो उसमें ये नहीं दिखाया किसके अकाउंट से आए हैं, पर ये जरूर दिखाया कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे आए हैं। तो आधे बंदे ये समझेंगे उन्हें इंटरेस्ट मिला है, पर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं मिलता जितने हमने पैसे डाल दिया हर के बंदों में। पर चलो सही है भाई, हमें अपना प्रॉफिट लेना था, बाकी औरों की मदद करनी थी तो वो भी हो गई। शायद इल्यूमिनाटी गैंग के लीडर को ऊपर वाला थोड़ा सा कम सजा दे दे कि उसके पैसे से इतना भला हो गया, पर उसके पैसे तो थे नहीं, उसने औरों के छीन रखे थे वैसे तो। पर चलो कोई नहीं गाइस, निकलते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? कहाँ पे? अपने प्यारे मेंशन में जाकर, और खोल के भी दिखाता हूँ इसके अंदर कितना रोकड़ा है, ठीक है? लेट्स गो मेरे भाई, क्योंकि यही तो आप देखना चाहते हो ना कि कितना आखिरकार पैसा हमारे पास। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि इस चीज़ को देख के तो आप भी बोलोगे ओ माय गॉड, ओ सच्ची में मजाक से हट के। चलो चलते हैं और दिखाते हैं, मेंशन लिटल लिटल दूर है, अभी पहुँच जाएंगे। पर यार मैं और लेस्टर एक चीज़ सोच रहे थे, पहुँच तो गए यहाँ पे, पर इसका करना क्या, इनको रखेंगे कैसे भाई? तो कंफ्यूज है गाइज हम बहुत ज़्यादा, और कंफ्यूजन हो भी क्यों ना भाई, ये पैसे थोड़े बहुत नहीं हैं, बहुत पैसे हैं, तो इसको निकालने में भी टाइम लगेगा। अगर हम अभी डालने लगे हमारे पास बंदे भी कम हैं, तो इस चीज़ में हम थोड़ी सी दुविधा में फंस गए। मैं आप लोगों को बता दूँ गाइज, अब करें तो क्या वो समझ नहीं आ रहा हमें, पूरे ट्रक भी नहीं घुस रहा यहाँ तो बहुत निका भाई साहब। ये तो पंगे पे पंगे हो रहे हैं गाइज हमारे साथ, अरे यार ये क्या पंगे हो रहे हैं, ये सारे पंगे हमारे साथ ही होने हैं क्या? पर चलो कोई नहीं, घुस गया, थोड़ा सा पीछे करके, आगे पीछे करके इसे तो मैं घुसा लूँगा, और उसका क्या करेंगे भाई? ये नहीं घुस रहा भाई साहब, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, करते हैं कुछ इंतजाम गाइस इसका, और वो अंदर वेट कर रहे हैं। पर अंदर जो पार्टी होने वाली है ना, वैसे तो उसका सारा काम लेस्टर संभालता है, पर लेस्टर मेरे साथ है फिलहाल, तो ट्रेवर और फ्रैंकलिन देख रहे हैं अंदर जो पार्टी के जितनी भी चीज़ें कोई कम पड़ रही हूँ, वो सारा सीन अभी वो देख रहे हैं। पर यार मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैंसन इतना बड़ा है, गेट इतने छोटे हैं, ये सामान नहीं जा पा रहा यार। पर चलो कोई नहीं, अपन दोबारा ट्राई करते हैं ना। अरे हट जाओ यार, ये देखो भैंस की, तुम्हें भी यहीं आना है, इनकी ऐसे कैसी छाती पे लात मारो इनके। पर चलो कोई नहीं, आ जा पहले बैठे, छाती पे गाड़ी चढ़ा दो, मजाक नहीं। अरे ले भाई तू ले, जल्दी लेके जा, गाड़ी ले जानी है तो। चलो अब हम तो बिल्कुल रेडी है गाइस, अब चले जाए तो सही है यार, अभी भी नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकते। चल 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 चल, लेट्स गो। ये क्या हो गया, माइकल बंदे की गाड़ी फंसी हुई है भाई, क्या कर रहा है तू? हमने किसी की गाड़ी का नुकसान कर दिया दोस्तों, और मुझे क्या पता ट्रेलर के नीचे गाड़ी फंसी हुई है, कोई बोल भी नहीं रहा, और ये पूरा रोड, अरे तू पगला है क्या भाई? ला पूरा रोड बंद कर दिया गाइस हमने। अरे कौन है, किसकी गाड़ी है? गाड़ी, अरे ये वाली गाड़ी हटानी पड़ेगी गाइस मेन तो। अरे ये कैसे हटाएं लेस्टर, पूरी गाड़ी की एक्सेस हो चुकी है, ये बंदा बहुत हो गया, इसके साथ ऐसी चीज़ें हुई है। अरे तू क्यों, तू कौन सा है? तुझे पता ना बदमाश हूँ मैं, माइकल दी द मोस्ट बॉय। आजा तू लड़ ले, उसको कोने में डरा देता हूँ। उठ, ये तो उसने लायक ही नहीं बचा, पर करे क्या, हमारा ट्रेलर ही फंस गया भाई। लेस्टर आजा, आगे पीछे करते हैं कुछ, थोड़ा सा आगे पीछे तो करना पड़ेगा यारो, तो यही तो दिक्कत हो जाती है यार। एक तो हमें ट्रक चलाना इतना आते नहीं है, और चलाते हो तो हम ये क्या कारण कर देते हैं गाइस, आप देख सकते हो। लो भाई मोस्टली काम तो हो गया, घुस गया। बस पीछे की साइड से दो गाड़ी धक्का दे देना, इसे सीधा कर दो। अरे ये पटाखे फूट रहे भाई, निकाली से ऐसी तैसी भाई, गाड़ियाँ गुड़ियाँ फटकी बंद होगी गाइस, इसे निकालते कैसे ना कैसे। हो गया सीधा, हो गया गाइस, बड़ी मुश्किल से सीधा करा मैंने, और पीछे गाड़ियाँ वगैरह फूट रही है, तो इसको तो मुझे फटाफट निकालना पड़ेगा भाई। अपन ने तो अंदर डाल दिया, पर पीछे का देखे क्या सीन है क्या नहीं, बड़ी मुश्किल से डला भाई अंदर, आगे पीछे कर करके बहुत प्रयास करा हमने, खुल जा रहे खुल। तो ये देखो भाई, एक बंदे की गाड़ी फट गई, और ये वही बंदा है, एम्बुलेंस आ चुकी है, हमारी कोई गलती नहीं है गाइस, ठीक है? आ जा लेस्टर, इसको अच्छी तरह सेट करें। अरे मेरी क्या गलती है, मेरे को बोल रहा है क्या करता है तू यार? एक तो इतना वापसी ट्रक है, क्योंकि यार हम छोटा ट्रक नहीं ले सकते थे, पैसे बहुत थे, छोटे ट्रक में नहीं आते यार, अब क्या करें, कलेश तो होने ही है हमारे साथ। हमारा काम एक बारी में अच्छी तरह हो जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं गाइस, इसीलिए चलो बैठते हैं। अब इसको भी उल्टा करके लगाना पड़ेगा, कभी ऐसा हो ट्रक मैंने यूँ लगाया कोई पीछे से पैसे निकाल के निकल जाए, इसीलिए बैठ लेस्टर भाई। अरे बैठ जा लंगड़े, ये देखो लेस्टर भी नोटी हो रहा है गाइस। चलो कोई नहीं, लेस्टर यार देख कितना नोटी होगा तो कैसे चलेगा मेरे भाई। चलो
और तेरे शहर में है रुका बाजे राव साहब का। ओ इसको सीधा करना मुश्किल है वैसे तो, पर चलो अपन ट्राई कर। इसको पीछे ना घुसा दूँ, यहाँ तो कौन ही छेड़ेगा, पर फिर भी गाइस अपन बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते इन पैसों के साथ, तो सब कुछ आराम से ही करना पड़ेगा अपन को। ठीक है ट्राई कर लेते हैं भाई, ट्राई करने में क्या है, अपन ट्राई करेंगे कि इसको अच्छी तरह कर दें, पर मेरे को लग नहीं रहा। अरे चुप रह तू, फालतू ना बोली। लेस्टर हाँ, लेस्टर बहुत कॉमेडी कर रहा है गाइस हमारे साथ। लेस्टर की कॉमेडी खत्म कर दूंगा, मार दूंगे गोली लेस्टर की। मजाक कर रहा हूँ भाई, लेस्टर को मार दूंगा कैसे चलेगा काम। अब यार इस ट्रक को उल्टा कैसे करूँ। अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। ओके चल 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 चल। थोड़ा सा और पीछे और पीछे और पीछे, तो गाइस इसी हिसाब से हमें इसे ले जाना पड़ेगा। चल 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 चल। ओके तो गाइस ऐसे ही मुझे करना पड़ेगा भाई, ये ट्रक चलाने कितने मुश्किल हैं। ये लो अपना तो हो गया काम जो अपन को करना था गाइस, फाइनली अपना ट्रक यहाँ से निकल नहीं रहा था। यार मैं ड्राइवर को भी तो बुला सकता था, ड्राइवर को भी तो आते हैं चीज़ें करनी। चलो कोई नहीं, अब तो मैंने कर दिया भाई। चलो चले मितवा, चलो कोई नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया, बस 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 बस, सो इजी पीजी। ये देख सकते हो गाइस कम से कम हमारा कितना बहुत टाइम लग गया यार हमारा। चलो 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 चलो, और ट्रक सीधा करना पड़ेगा दोबारा से, और अब पीछे करना पड़ेगा, ये सीन करना पड़ता भाई यहाँ। ओके 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 ओके, चलो 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 चलो, हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा। ओके लेट्स गो, इसको मैं दीवार के साथ लगा दूंगा ताकि कोई इसे खोल भी ना पाए। देख रहे हो गाइस, यही तो मैं चाहता था, और ये अब दीवार के साथ लग गया फाइनली। चलो मिले अपने दोस्तों से, क्या ही मिलवाना उनसे है ना आपको अंदर का। अरे यार अंदर का मामला पानी भी तो दिखाना था, कोई नहीं ट्रक थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ मैं आपको, रुको सबर करें सबर करें। तो फिलहाल गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कितने पैसे भर के लाए हैं हम बैंक से, बिल्कुल कितने पैसे हम निकाल के लाए हैं इस ट्रक में, पूरे ट्रेलर में कितने पैसे हमने डाल रखे। तो बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो कितने पैसे हैं तो ये आप देख सकते हो गाइस, ये कुछ है। अब आप देख लो कि भाई ये कुछ नहीं है, ये बहुत कुछ है। तो इतने पैसों के मालिक हम बन चुके हैं, तो आप कह सकते हो कि माइकल दोबारा से मिलियनियर बिलियनियर बन चुका है। नहीं थोड़े कम है वैसे तो, पर चलो ठीक है। हिसाब ये है कि भाई हमारे लॉस हुए तो उस हिसाब से हमने पैसा उठा लिया, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही उठा लिया है क्योंकि भाई थोड़ा तो चाहिए था ना। तो ये देख सकते हो भर भर के पैसा पड़ा अब हमारे पास, भर भर के। वे सब इन्वेस्ट होने वाले हैं कहाँ पे वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँ गाइस। भाई इतना पैसा संभला नहीं जा रहा मुझसे, ऐसा है तो बड़ी सर मेरे पे तेरी ऐसी कर दूँ। तो ठीक है गाइस, होप करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा। मजा आया चाहूँगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि आप सबको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा चंगा, फिर अगली वीडियो मेरे प्यारे मित्रों, बाय बाय।